आज जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। ये देखिए, सारी चीज मोमेंटम की बात है गाइस। ऐसी बात कोई नहीं है, 4x4 कोई नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यहाँ पे चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट कि हम कर लेंगे, हम निकाल लेंगे और मोमेंटम बिल्ड करके लेके आओ। तो भाई, हियर वी आर विद आवर रेनो ड्राइवर इन टू द हिमालयस। तो भाई मैं बता रहा हूँ, हमें हमारे साथ अभी बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पे। मैंने बीच बीच में शॉट्स लिए हैं, मैंने वीडियो नहीं बनाई ढंग से। और भाई मैं बताता हूँ, मुझे लगा था कि ड्राइवर बहुत इजीली चल जाएगी, मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया, बट अभी मेरा फ्रेंड ड्राइव कर रहा है और इसको मतलब कैसी लग रही है मैं बताता हूँ भाई। बीच में ठीक है चढ़ाई थी, फर्स्ट ईयर में थी, वो ब्लैक आइस थी, ये बहुत स्पीड मार रही थी और पता नहीं मुझे इसमें ना फील आ रही है कि पावर बहुत कम हो गई है, लिटरली मुझे फील आई, बट इनको नहीं आ रही, ये चला रहा है इसको नहीं आ रही, लेकिन मुझे आई। और भाई अभी ऐसा रास्ता आया, मैं डालूंगा भाई, वो रील मैंने बनाई है, वो रील डालूंगा, मैं वीडियो नहीं बनाई। और भाई लिटरली अभी मैं बताता हूँ ना, गाड़ी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस दे रही है, इसलिए मैं यहाँ पे यूट्यूबिंग नहीं कर रहा हूँ ढंग से। जितनी वीडियो मैंने डाली है मैं डालूंगा, हमारा डे वन हो चुका है, ये डे टू की वीडियो डालूंगा भाई मैं यहाँ पे लद्दाख में। आप जा लो भाई, वाइपर साफ करना। तो भाई रास्ते देख लो आप, चल रही है ये, स्नो पे चल रही है, ठीक है चल रही है, फिलहाल तो चढ़ाई चढ़ रही है, हम तीन लोग हैं। और लेकिन मैं आपको एक बार बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे ड्राइवर में 7 लोग लेके आओगे ना, या 5 लोग भी लेके आओगे और इस चढ़ाई पे दिक्कत देगी, मत लेके आना भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं ड्राइवर को बहुत ज्यादा मतलब चाहता हूँ, ठीक है। और अब आगे देखो भाई, ब्लैक आइस वगैरह दिखा दे आपको, और हम लोग कुछ ज्यादा देर भी चेंज हम चेंज भी नहीं लेके आए भाई, दिक्कत ये है, बस मोमेंटम में टूटने दी शायद। भाई लिटरली यहाँ पे मैं ड्राइव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पावर फील हो ही नहीं रही है भाई गाड़ी में, क्योंकि हमने इसको रोक दिया ड्राइव करने से, क्योंकि ये ओवरथिंक कर रहा है भाई। हाँ लिटरली मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि भाई दिक्कत आ रही है। और बेसिकली हम आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट करने आए हैं। नहीं सुन, जब श्रीनगर पहुंचेंगे ना इसका करा लेंगे, मैं कहता हूँ सर्विस भी करा लेंगे, तैयार हूं भाई। लिटरली क्या रोड्स हैं, नजारे देखो, मैं सही था अच्छा भाई। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे अपनी चीजों की याद आ रही है, उनकी थार लेके आनी चाहिए थी, एटलीस्ट दो गाड़ियां होनी चाहिए थी, सबको लेके आना चाहिए था साथ में, एटलीस्ट दो गाड़ियां होती, एक फर्स्ट आती तो निकाल लेते हो भाई। लिटरली ब्लैक आइस के ऊपर चला रहे हैं अभी हम, देखो लिटरली अब सही चल रही है, गर्म हो रही है मेरे ख्याल से पेट्रोल जम गया होगा तभी, पर टोटल रिस्पॉन्स तभी तो नहीं दे रही थी गाड़ी। भाई क्या व्यू है यार, ये वाइब्रेट क्यों कर रही है, ये वाइब्रेट क्यों कर रही है लेटर। भाई देखो गाड़ी दिक्कत दे रही है, कुछ ना कुछ इसमें हुआ है खराब, बट जय गुरु जी। दूसरे गियर में जाने दे, तीसरे में जा रही है, तीसरे में जा रही है, गुड तीसरे में जा रही है। तो भाई ड्राइवर इज इन लद्दाख, अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे हम भाई, साइड पे व्यूज देख लो। पर्टिकुलरली हमने 4-5 प्लेसेस शॉर्टलिस्ट किए हैं, हाँ उस हिसाब से हम। तो भाई देखो, ये मैं डे वन की वीडियो डाल दूंगा और डे वन की जो वीडियो मैं बता दूंगा उसमें कितनी माइलेज दी थी इसने, कितनी नहीं दी थी, और इसकी एवरेज भी बहुत गंदी निकल के आ रही है, बट स्टिल दैट्स गुड, मतलब ठीक है इन इलाकों में ठीक है। और ये जो वीडियो है ये मैं डे टू की वीडियो डाल रहा हूँ, अभी हम लद्दाख पहुंचे नहीं है, लद्दाख यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अभी आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल सकता है अगर इसने हमें दिक्कत ना दी तो। भाई इस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है पेंगो आगे ब्रेजा वाला भी अटका हुआ है, रुक जा सुन तुझाल रुक, वो ना वहाँ अटका हुआ है, वो रुका हुआ है, वो हमारा मोमेंटम तोड़ेगा। अब ये पता बात पता क्या है, इस गाड़ी को मोमेंटम चाहिए, उसको जाने दे, पीछे आ रहा है उसका, रुका हुआ है, मोमेंटम तोड़ेगा वो, देख भाई आगे ब्रेजा, आगे ब्रेजा फंसी हुई है, पीछे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं भाई, आइस को देखते रहना एक मिनट, आइस को देखना, आइस को छोड़ी, ब्रेजा वाला क्या कर रहा है, ये क्लियर करेगा ना अगर यहाँ से तो ही हम ऊपर जा पाएंगे भाई, एक मिनट आइस को देखते रहना, तेरे कह रहा है, वो कह रहा है निकलो, ये हाथ क्यों दे रहा है, हॉर्न मारियो, हॉर्न मार, नहीं निकलने होगा, कहाँ से निकलने होगा, बैक ले भाई, ए शिफ्ट वाले सब इनसे बात कर रहे हैं, कुछ नहीं वो आगे है आपकी, भैया गाड़ी ठीक चल रही है आपकी। लिटरली अभी क्या हुआ है, हम गाड़ी में बैठे और एक चिप्स का पैकेट फटा हाई प्रेशर के कारण, हम वी वर लाइक गाड़ी बंद कर जल्दी, ये क्या हो गया, हम तीनों गाड़ी के बाहर, और भाई इसे कहते हैं डर, इसे कहते हैं कि सहम जाता है, पर हम रोड पर लिटरली, ये ब्रेजा देखो यहाँ पे ब्रेजा वाला वापस आ रहा है, ब्रेजा फंस गई है, ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रही है, ये अगर ब्रेजा नहीं जा पा रही है क्या ही जाएगी, वो डीजल है, देखो वो मोमेंटम बिल्ड कर रहा है, देखना मोमेंटम बिल्ड करके देखते जाती है कि नहीं भाई, देखते हैं जा रही है कि नहीं। दुशाल यहाँ से लेके जाएगा ना खींच के, पहले गियर में ले जाना सीधा, पहले में ही जान दो,
पहले नहीं जाएगी, दूसरा मत डालना क्योंकि ओ नहीं नहीं स्किट कर रही है, स्किट कर रही है। इजलास की हेल्प करते जाके पिछले दिन कार मारे उसमें नहीं जा रही भाई, ब्रेजा नहीं जा रही, उसके टायर इतने चौड़े हैं। आओ हेल्प करते हैं भाई, कर लॉक करे भाई गाइस कैसे। यहाँ पे मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ड्राइवर तो क्या ही निकलेगी। ओए आतिश भूल जा, हमारी गाड़ी नहीं निकलेगी यहाँ पे। और ब्रेजा वाले भैया भाई ये भी नहीं निकल पा रहे हैं, ब्रेजा वाले भाई नहीं निकल पा रहे हैं, इनको धक्का देना पड़ेगा। अर्टिगा तो पता नहीं, अर्टिगा ट्राई कर रही है भाई, अर्टिगा में पावर है 1500 cc का इंजन। निकल गई भाई, स्विफ्ट भी निकल गई। दुशाल ले आएगा? ओए आतुष एक काम कर, आतुष इधर तू वीडियो बना, मैं और दुशाल लेके आते हैं। सुन ये ले, वीडियो बनाना ढंग से ठीक है। मोमेंटम की बात ही सारी। चल बड़ी चल बड़ी। ये गाइस सारी ओवरथिंक करने की बात है, ये गाड़ी हमारी निकलेगी। एक बार हम अपने दिमाग में लेके चल पड़े ना कि ये निकलेगी गाड़ी, तो वो माइंडसेट से ही बंदा निकल सकता है। अब जैसे ये है मोमेंटम बिल्ड करके आ रही है, आराम से निकलती जा रही है निकल गई। इवन जो बाकी गाड़ियां भी थी वो भी आराम से निकल पाई। ये देखिए सारी चीज मोमेंटम की बात है। ये आ गया भाई, हमारी गाड़ी भी आ गई है, देखते हैं भाई कैसा सीन है इसका। आने दे भाई, इनको अपनी गाड़ी पे भरोसा नहीं आ रहा। ये गाड़ी निकलेगी, मैं कह रहा हूं ये गाड़ी निकलेगी। भाई लिटरली इस गाड़ी में एक अंकल आंटी थे, और अंकल थोड़ा पैनिक कर रहे थे। आंटी ने बोला कि जाओ जाने दो खींच दो। एक ये हमारा दोस्त है, इरिस्पेक्टिव के वो असिस्टेंट कमांडेंट है, फिर भी वो डर रहा है, पता नहीं कहना क्या चाह रहा है। तब तक गाइस यार व्यूज देखो यार, इनकी बकचोदियाँ नहीं खत्म होंगी। मेरे वाले बंदों ने मेरे को वीडियो बनाने के लिए रख ली है, ये मेरी बात नहीं सुन रहे। आ जाओ, जय गुरु जी। देखिए गाइस, अगर लद्दाख में आने का है ना, तो एक अच्छा माइंडसेट लेके आओ। अच्छे माइंडसेट से आओगे, पॉजिटिव माइंडसेट से आओगे, तो खुद वो पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और निकल जाओगे। अगर हम मन में लेके चलेंगे कि नहीं जा सकती, तो फिर नहीं, फिर भाई आप लोगों के लिए नहीं है ये, क्योंकि लिटरली आज ये शिंगुला रोड पास का, जो शिंगुला पास वाला रोड है, ये आज इसका फर्स्ट डे है। मैंने बोला था तेरे को अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से लेके चलो, निकल जाएगी। तो भाई बहुत मुश्किल से ब्लैक आई से निकाली है, सेकंड गियर पे आराम से निकल रही है। हाँ ठीक है, तो गाइस अभी अनलॉक ही करा है मैंने, तो गाइस फिलहाल अब तक तो अच्छा साथ दे रही है हमारा, बस आगे भी ऐसे ही देते रहे फिलहाल। तो खाए तुमने सिर्फ हाड़ू में देखी लिटरली गाइस,
मारते ये पाद खुद है उनका यार ये मैं YouTube पे डालूंगा यार लिटरली नहीं नहीं खुद पाद मारते हैं नाम आतुष ने मारा आतुष तूने मारा भाई आप लोगों ने मेरी टट्टी नहीं करी तूने भी नहीं टट्टी करी अरे शुभ शुभ बोल भाई अभी देख तीसरे कह रहे तीसरे में उठ नहीं रही देख 1500 आरपीएम से ऊपर नहीं जा रही कौन से चढ़ाने भाई ये चढ़ानी है ये कौन सी जाने पे सीधा रास्ता है ये पता गाइस पता क्या यही ओए ये ले पकड़ पर वीडियो नहीं आगे बोल ये सीधी वीडियो यही मसला है इसका अपनी गर्लफ्रेंड से है सही बात है ठीक है ना ये उसको चाहता है कि तू कर क्यों नहीं पा रही कर क्यों नहीं पा रही यार इसने रोक दिया ना लोडू रुक जाता है ये देख अभी बस लाना है इसको अभी यहां से ब्लैक ऐसे ऊपर ये कैसे चढ़ेगी उनको पीछे तक जाना पड़ेगा क्यों जाना पीछे निकल जाएगी ये पीछे लोडू निकल जाएगा इससे आगे जा बिल्ड करता है भाई निकल जाएगा यार ये जान दे वो आगे रुका हुआ फिर से बिल्ड रुकी आगे आगे सब कुछ रुका हुआ है भाई है जान दे वैसे ब्लैक आइज नहीं है इधर पानी पानी है पिघल गई है रुके क्यों है ये फोटो से नहीं ले लग पड़े मेरी तरह भाई वो आइज देख यार आइज देख भाई भाई आइज देखो लिटरली ये अगर आप चाहते हो हम आपके लिए थोड़ी ले भी आएंगे फ्रिज में लग हम कर लेंगे हम निकाल लेंगे और मोमेंटम बिल्ड करके लेके आओ ठीक है ना और जल्दबाजी मत करो ना इनको आइस दिखाएं भाई भाई आप आइस देख चमक कैसे रही है उसकी परत पूरी है ना आंखें खुली रही इसको देख के और मैं नीचे गिर गया भाई बर्फ में नीचे गिर गया मैं गिर गया हूं लिटरली कंट्रोल ही नहीं हुआ लिटरली मैं नीचे गिर गया भले लिटरली गाइस मैं ड्राइव नहीं कर रहा बट गाड़ी को आगे लेके जाने में मेरा मैंने हार मान ली थी आई वॉज लाइक नहीं चढ़ी नहीं चढ़ी हमारे साथ तू ड्राइव कर हमारे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हो गया और ऊपर से ना हमारे माइंड में वो कीड़ा बैठ जाता है ना कि यार गाड़ी पिकअप नहीं ले रही नहीं ले रही वो बैठ चुका है और पता तीसरे गियर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है पुराने जैसे नहीं चल रही है बाकी इसको श्रीनगर दिखाएंगे भाई बस वहां तक पहुंचा दे अब श्रीनगर के वैद से जरूर दिखाएंगे उसको बाकी बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है ये डेटो की वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ अगली वीडियो मैं इसके बाहर डालूंगा।